अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ कई हद तक। तो स्टोरी शुरू करने से पहले एक मैसेज है मेरी फ्रेंड मायशा की तरफ से आप सबको, तो पहले वो सुनाती हूँ। उसने कहा, उसको वो आज ही सभी उसकी जो स्टोरी की सब एपिसोड उसने सुनी और उसको बहुत अच्छा भी लगा। अभी तक शायद वो स्टोरी की एपिसोड सुन रही है, तो उसको जितनी भी सुनी वो एपिसोड उसको बहुत अच्छा लगा। और आप सब ने जिस तरह से स्टोरी को प्यार दिया है वो बहुत खुश है। हाँ भाई, मुझे थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दी है। उसने कहा कि मुझे अच्छी हिंदी आती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, मैं जानती हूँ। और जिन जिन को जिन जिस जिसने उसको बर्थडे विश किया है, उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोला है और बोला है आगे भी उस स्टोरी ख़त्म होने तक ऐसे ही प्यार दीजिए उसकी स्टोरी को, यही बोलना था आपको। तो चलिए सुनते हैं। तुमसे प्यार हुआ, प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो ईशा को, उसे बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाती है कि जिस लड़के ने उसको उसके साथ बदतमीज़ी की है वो लड़का जो है वो आरू का दोस्त है। लेकिन बाद में जब सब क्लियर हो जाता है, वो जब उस लड़के का फेस देखता है तो उसे इतना बुरा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा अब खुद पे गुस्सा आने लगता है। वो गिल्ट में चली जाती है कि ऐसे कैसे उसने इस लड़के के बात पे आके ये सब किया। लेकिन भाई उसकी भी क्या गलती है उस सिचुएशन में, अगर खुद के साथ कुछ हो तो भी बंदा ऐसा ही रिएक्ट करेगा। फिर जो है वो वहाँ पे बैठ के वो चीज़ें सोच के वो रोने लगती है। प्रेरणा जो है उधर से जो आरू जाने लगता है, प्रेरणा एकदम से बोलती है कि यार माफ़ी मांग ले यार जाने से पहले। तो ईशा उठती है कांपती हुई आवाज़ से, आरवी के नाम पुकारती है और उसे, लेकिन जो है आरवी पीछे पलटती नहीं है और एकदम से बोलते है कि आज के बाद तुम मेरे सामने मत आ जाना और ना ही मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। और ये बोल के वो शनाया की हाथ पकड़ के वो वहाँ से निकल जाती है। ईशा जो है उसे और ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया किसी के साथ, उसकी भी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो वो एकदम से बैठ के रोने लगती है। प्रेरणा जो है उसे संभालती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जब वो बहुत ज़्यादा रोती है तो प्रेरणा एकदम से बोलते, अरे यार ईशा प्लीज़ यार, अब जो हो गया सो हो गया ना, अब तो रुक जा यार, अब मत रो प्लीज़, इसलिए मैंने बार बार तुझे रोका था यार, तब तो मेरी बात सुनी नहीं गई। तो वो एकदम से रोते रोते बोलते, यार मैं उस सिचुएशन में नहीं थी, उस वक्त मैं जिस कंडीशन पे थी, जो मेरे सामने हुआ मैं उस पे रिएक्ट किया यार, मैंने थोड़ी ना कुछ बड़ा चढ़ा के बोली। तो वो एकदम से बोलते, बोली है तू उसके मॉम के बारे में? बोली, यार तेरे दिमाग तू क्या जानती है उसके बारे में? यार हमें किसी की मॉम के बारे में कुछ बोलने का कोई हक नहीं है यार, और तब जब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बिना सोचे समझे तेरे मन में जो आया तो बोलती गई, बस एक बार मेरी बात तो सुन लेती। यार तू जानती भी है उसकी मॉम के बारे में? तो बोलती, यार मैं उस हालत में नहीं थी ना। तो प्रेरणा एकदम से बोलती, यार उसकी मॉम नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। और आरू की जो है, जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया में अगर आरू किसी से, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान की अहमियत है तो उसकी मॉम की है। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी मॉम से प्यार करती है। यार तूने उसी इंसान के बारे में बोल दिया, मुझे नहीं लगता वो तुझे माफ़ करेगी। तो जब ईशा ये सुनती है तो वो शौक हो जाती है कि उसकी मॉम नहीं है। तो फिर ना बोलती, नहीं इसलिए तो तुझे बोल रही थी, एकदम से मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू तो अपनी में थी। तो ये सुन के ईशा को और ज़्यादा बुरा लगती है, वो रोने लगती है। तो फिर ना उससे संभालती बोलती, यार देख जो हुआ सो हुआ, तूने गलती की है तो उसे माफ़ी मांग लेना कल कॉलेज जाके प्लीज़। अभी हम यहाँ से उठते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गई है,
10 बजे से पहले अगर मैं तुझे घर वापस नहीं छोड़ा ना, तो आंटी फिर अगर बाद में हम लोग कहीं पे जाए तो तुझे मेरे साथ कभी नहीं जाने देगी। तो ईशा भी समझती है, वो खुद को संभालती है और उठती है। वो लोग जाने लगती है, तभी एकदम से ईशा की नज़र वो उस साइड पे जाती है, काउच की साइड पे। वहाँ पे एक जैकेट रखी थी, तो उस जैकेट को देखती है। तो देखती कि ये तो आरू की जैकेट है, तो अपेना की तरफ देखती है, बोलती इसकी जैकेट तो, बोलते वो तू जब बेहोश हो गई थी ना, तब शायद उसने तेरे ऊपर ओढ़ी थी ये जैकेट। तो ईशा जो है वो जाती है, उस जैकेट को उठाती है और अपने ऊपर ओढ़ लेती है, क्योंकि उसके साइड पे जो है, शोल्डर के साइड पे आपके जो कपड़े वो फड़े हुए थे ना, इसलिए। तो पेना भी देखती है, वो कुछ नहीं बोलती, बोलती है जल्दी चल। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं, और जो पीयूष है उसको तो अवनीत और समीर लेके गया है पुलिस स्टेशन। फिर जो है पीना वो अपनी स्कूटी निकालती है, स्कूटी स्टार्ट करती है, ईशा बैठती है, और जैसे ही स्टार्ट करने ही वाले थे, तभी एकदम से जो है पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे रुको पेना। तो ईशा और पेना पीछे मुड़ती है, तो जब पीछे मुड़ती है तो देखती है शनाया भाग के आती है, और आके बोलती है अरे रुको पेना। वो तो वो उसके हाथ पे एक क्रीम थी, एंटीसेप्टिक क्रीम थी, वो क्रीम देती है। बोलते वो इसके, वो ईशा की तरफ नहीं देखते, बोलते इसकी शोल्डर पे जो खरोचे आए थे उस पे ये लगा देना। तो बोलती ठीक है। तो पेना जो एकदम से बोलती कि थैंक यू मैम। तो बोलती पहली बात मैं तुम्हारी कोई मैम नहीं हूँ, और दूसरी बात ये मैंने नहीं दिया, और जिसने दिया मैं नाम नहीं कह सकती। तो प्रेरणा समझ जाती है। तो फिर वो जो स्टार्ट करने वाली थी, तो फिर से एकदम ईशा बोलती रुक जा। तो उतारती है, शनाया के सामने जाती है और हाथ जोड़ के बोलती आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया ना समझ के किया, क्योंकि मेरी जो उस सिचुएशन में मैंने जो देखा मेरे सामने, मुझे वही चीज़ पे मैंने रिएक्ट किया। तो शनाया भी बोलते देखो ईशा, मुझे ना तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुमने ना उसकी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है बचपन से लेकर आज तक उसके ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, वो हमारी जान है, अगर उसे कुछ होती है तो हमारी जान जाती है। उसकी ज़िंदगी में बस 2-3 इंसान रह गए हैं उसके मामी के जाने के बाद, और वो हम सबकी जान है, और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया यार। अरे उसकी मम्मी के बारे में तुमने जो भी बोला, चलो मैं 1 मिनट के लिए वो भूल जाती हूँ, लेकिन उसके ऊपर हाथ उठा दिया तुमने यार। तो बोलती आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए ना मुझे। तो बोलती देखो यार मैं माफ़ नहीं कर सकती, इसके लिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। फिर जो है वो जो उधर इधर जो है वो प्रेरणा बोलती ईशा जल्दी चलो यार। तो शनाया वहाँ से चली जाती है, और ईशा जो है वो बैठती है, और वो लोग घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आरू है, वो अपनी कार के साइड पे आके अपनी कार के बोनट पे जो है वो एकदम से जो है हाथ जोर से मार रही थी गुस्से में। तो शनाया जब आती है, देखती है वो भाग के आती है, बोलती क्या कर रही है तू तू बोलती डैमेड, मैं उस लड़की को कुछ बोल नहीं सका, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे मम्मी के बारे में कितना कुछ बोला। वो एकदम से चीखती आ, तो जब चीखते तो शनाया उसको एकदम से गले लगाती है, कुछ 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 नहीं होगा, सब सब ठीक है, सब ठीक है, उस तो शांत हो जाए। तो आरू आरू की आंखों में से एकदम से आंसू आने लगते हैं। तो जो शनाया बोलती रो मत ना यार प्लीज़, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता उसकी। अरे यार तू एक बार सोच उसकी कंडीशन, वो किस हालत में थी, उस हालात तो सिचुएशन में अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी बोलती यार उस सिचुएशन में। वो जिस उसकी सामने जो भी चीज़ हुआ वो बस उसका रिएक्शन था यार, एक बार उसकी तरफ से सोच तू। अगर हम खुद लड़की होके उसकी सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो कैसा होगा। तो बोलते मुझे कुछ सिचुएशन को नहीं समझा, उसने उसने मेरी मम्मी के बारे में सब बोला। अरे वो जानती क्या है मेरी मम्मी को, उसे क्या पता मेरी मम्मी की परवरिश कैसी है। तो
जैसे तैसे करके जो है शनाया उसे संभालती है और वो लोग जो है घर वापस जाने के लिए चले जाते हैं। तो शनाया है अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर देती है कि आज वो आरु के साथ ही रुकेगी। तो जब वो जाते हैं घर तो जो आरु है वो अपनी फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेती है, क्योंकि अगर उसे पता है कि अगर दादी उसे इस हालत में देखेगी तो परेशान हो जाएगी, इसलिए वो अपनी पूरी एक्सप्रेशन को चेंज कर लेती है और एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। दादू से मिलती है, हग करती है, थोड़ी डिनर भी करती है और फिर जाके रूम में अपनी मॉम के फ़ोटो के सामने वो एकदम रोने लगती है। फिर शनाया भी आती है और उसे फिर से हग करती है, बोलते बहन प्लीज़ ना, तू मेरी जान है ना बच्चा, क्यों रो रही है बच्चा, तू जानती है ना मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, तुझे तकलीफ़ होती है तो दर्द मुझे होती है, क्यों नहीं समझती है तू। तो जो आरू है वो एकदम से उसे हक करती है। तो जो शनाया है बोलते रो मत प्लीज़, देख मैं तुझे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तू उस लड़की को माफ़ कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन तू मैं बस तुझे ये कहूँगी कि एक बार तू उसके हिसाब से सोच के देख, अगर उसकी जगह तू होती, अगर मैं होती उस सिचुएशन में, वो लड़की क्या करती, उसकी तू सोच एक बार उसके साथ क्या हो रहा था। तो आरू एकदम से बोलती प्लीज़ शनाया मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तो बोलती ठीक है तू बात मत कर चल सो जा। तो ये लोग सो जाते हैं। उधर देखते हैं जब प्रेरणा और ईशा जब घर जाते हैं तो रोते रोने रोने की वजह से जो ईशा की आँख सूज गए थे, थोड़ी सी रेडनेस थी उसकी आँखों में। तो जब उसकी मॉम देखती है बोलती क्या हुआ बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो बोलती है हाँ माँ तबीयत तो ठीक है लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सा फीलिंग हो रही है। तो वो बात को कवर अप कर देती है। तभी एकदम से उसकी मॉम बोलती है इसीलिए ना मैं तुम्हें कहीं पे जाने नहीं देती बाहर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आदत नहीं है। तो शनाया एक जो सॉरी जो पेन है एकदम से बोलती है अरे आंटी कुछ नहीं हुआ, इसको बस थोड़ी सी थकान है, शायद सर दर्द है, ये रेस्ट लेगी तो ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो, मैं थी ना इसके साथ। तो कुछ नहीं कहती। फिर पेन ना वहाँ से कुछ बातें करके चली जाती है और जो ईशा है वो अपने रूम में चली जाती है, अपनी मॉम से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। उसकी मॉम को भी लगता है कि शायद उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए चली गई, वो भी कुछ नहीं कहती। इधर जब ईशा की डैडी आती है उसके रूम में तो देखती है कि ईशा जो है रो रही है। तो एकदम से उसके पास जाती है, बोले क्या हुआ बेटा तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा। तो जब वो अपनी पापा को देखती है तो एकदम से हक करते और एकदम बच्चों जैसे फूट फूट के रोने लगती है। तो उसकी बाप जो पापा है उससे बोलती उसके सर पर सहलाने लगते हैं और बोलती क्या हुआ बेटा किसी ने कुछ कहा मेरी शेरनी को, इतनी रो रही हो क्या बात है। तो वो एकदम रोते रोते बोलते पापा पापा मुझसे ना एक गलती हो गई। तो बोलती क्या गलती हो गई बेटा, तो मैंने ना तो बोलते बोलो बेटा क्या हुआ। तो बोलते मैंने किसी को मार दिया थप्पड़। तो बोलते अच्छा किसको, तो बोलते वही आरु को। तो बोलते फिर से अब उसने क्या किया, तो बोलती उसने कुछ नहीं किया मुझे गलत फहमी हो गई थी तो मैंने ना सबके सामने उसे मार दिया। तो उसके डैड भी बोलते बेटा ऐसा क्या हुआ कि भरे महफिल में तुमने उसको मार दिया, बात कुछ सीरियस है। तो चुप हो जाती है क्योंकि वो उस चीज़ को अपने पापा से शेयर नहीं करना चाहती थी। तो एकदम से बोलते वो मैं जा रही थी तो वो भी एक साइड पर आई तो उसके साथ टकरा गई थी, मुझे लगा वो जानबूझ के धक्का दिया मुझे। तो उसकी पापा भी बोलते देखो बेटा ये गलत बात है, जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझते सामने वाले इंसान की बात नहीं सुनते, एक बार सुन लेते कि उसने गलती से किया है या नहीं फिर तुम रिएक्शन देते ना। कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ, कल जाके उससे माफ़ी मांग लेना ठीक है। तो बोलती मैंने माफ़ी मांगी लेकिन उसने नहीं दी। तो बोलती बेटा सबके सामने थप्पड़ मार दिया कैसे माफ़ करेगी, दोबारा मांगो, जब तक माफ़ नहीं करेगी तब तक मांगो, अब गलती की है तो
तो बोलती समझ गई, तो बोलते हाँ मेरी बेटी शेरनी है ना, तो बोलते हाँ पापा। तो वो जो ईशा की डैड है वो बहुत प्यार से उसको संभालती है और फिर बोलती है सो जा, तो वो सो जाती है। लेकिन ईशा के मन में बहुत गिल्ट आ गई थी, वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती, वो बार बार सिर्फ आरू के बारे में सोच रही थी। और जब से उसे पता चला कि उसकी मॉम नहीं है तो वो और उसके लिए वो और उसे बुरा लगता है। फिर अगले मॉर्निंग होती है, जब अगली मॉर्निंग है होती है तो ईशा जल्दी जल्दी फ्रेश होती है, उठ के रेडी होते ब्रेकफास्ट करके एकदम जो है प्रेरणा के घर चली जाती है। और जाके बार बार प्रेरणा प्रेरणा करके बुकर रही थी, बुला रही थी प्रेरणा को, तो प्रेरणा एकदम से आती है, बोलती क्या हुआ, तो बोलती कॉलेज नहीं जाना है क्या, तो बोलती यार इतनी जल्दी, तो बोलते हाँ तो चलना, तो बोलती यार तुझे आज क्या हुआ, हर बार तो मैं तुझे बुलाती हूँ कॉलेज जाने के लिए, आज तू आ गई, तो बोलती यार समझ ना चल जल्दी से, तो बोलती यार रुक ले मैं रेडी होके आती हूँ, तू मुझे 10 मिनट देगी प्लीज़, तो बोलते हाँ ठीक है। तो वो वहाँ पर बैठती है, प्रेरणा की मॉम से थोड़ी बहुत बातें करती है, तब तक प्रेरणा भी आती है और बोलती चल मेरी माँ। तो वो जाती है, ये लोग कॉलेज आती है, कॉलेज आते ही वो एकदम से इधर उधर ढूंढने लगते, तो प्रेरणा बोलते तू तो किसे ढूंढ रही, तो ईशा बोलती और किसे जिसके लिए इतनी सुबह सुबह मैं आई हूँ कॉलेज पे, तो वो बोलते अच्छा तो तू आरू को ढूंढ रही है, तो बोलते हाँ और किसे यार, जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं मांगती, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करती ना, मैं चैन से जी नहीं पाऊँगी। तो बोलते ठीक है देख आया है वो, ऐसे तो इतनी जल्दी नहीं आती है वो, तो बोलती ठीक है लेकिन जब आएगी तब आएगी ना। तो वो लोग वेट करते हैं, लेकिन जो है एक टाइम ऐसा आता है कि लेक्चर की टाइम हो जाती है, सब लोग क्लासरूम में आ जाते हैं, लेकिन जो ईशा को आरू कहीं नज़र नहीं आती है, और इधर उधर देखती कि शनाया भी नज़र नहीं आती है, तो वो एकदम से प्रेरणा को बोलती कि यार ये आई है आई नहीं, तो बोलते यार मुझे क्या पता मैं भी तो तेरे साथ आई हूँ, तो बोलते यार मैं माफ़ी कैसे मांगूंगी, तो बोलती यार सब्र कर यार आ जाएगी शायद लेट हो जाए। तो ऐसे करके वो तो इंतज़ार में थी, वो ठीक से पढ़ाई भी ध्यान नहीं देती है। जब टिफिन टाइम हो जाती है तब जो है प्रेरणा और जो ईशा कैफेटेरिया जाते हैं, उधर भी जो है ईशा सारी जगह देखती है कि आरू है क्या नहीं, लेकिन आरू तो थी ही नहीं। तो प्रेरणा भी बोलती है देख मुझे लगता है ना कि वो लोग आज आएंगे नहीं, तो ईशा को भी लगता है। तभी ईशा की नज़र एकदम से साइड पे जाता है जहाँ से समीर आता है कैफेटेरिया में, तो उठती है भाग के समीर के पास जाती है और बोलती समीर बात सुनो प्लीज़, तो समीर जो है उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे भी ये चीज़ बुरा लगता है कि सबके सामने आरू को ऐसे थप्पड़, जैसे भी हो आरू उसकी दोस्त है, तो वो उसे इग्नोर करती है करता है और चले जाने लगते हैं। तभी एकदम से बोलते समीर प्लीज़ यार बात तो सुन लो यार, माना मेरी गलती है लेकिन यार मेरी तरफ से भी सोच के देखो ना यार, मैं मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहती हूँ यार। तो समीर एकदम से पीछे मुड़ता है, मैडम जी आप ना हमसे दूर ही रहिए, आपका तो कोई अता पता नहीं है कब आके किसके ऊपर हाथ उठा दो यार, गलती ना होने के भी आप आरोप लगा देते हो, तो आप ना हम सबसे दूरी रहिए, और कल जो आपने किया ना उसके बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं, दूर रहिए हमसे। तभी एकदम से जो है अवनीत भी आता है, उसके पीछे शोल्डर पे हाथ रखते होते क्या हुआ समीर, तो अवनीत देखता है कि सामने ईशा है, तो उसे भी था थोड़ी बहुत, तो वो कुछ नहीं बोलते, वो दोनों बोलते चल वो जाते हैं। तभी एकदम से ईशा अवनीत को बोलते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत गलत है, तो इस चीज़ को मुझे ठीक करने का एक मौका तो दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ी मांगना है, कहा है वो। तो अवनीत बोलता है कि क्यों माफ़ी मांगना है, तो बोलती क्या मतलब क्यों मांगना है, बहुत सी सारी चीज़ें कर दी है मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे आरवी से माफ़ी मांगनी है, क्या बता सकते हो कहाँ है क्यों नहीं आई कॉलेज, ठीक है ना वो।
तो अवनीत जो है वो बहुत अच्छा लड़का होता है, तो वो ज़्यादा उसके साथ जो है रूड बिहेव नहीं करती है। बोलती कि वो नहीं आई है कॉलेज और 2-3 दिन शायद ना आए, तो ये सुन के ईशा का मुंह बन जाता है कि अगर वो आएगी नहीं तो माफ़ी कैसे मांगेगी। तो पूछती है क्यों, तो अवनीत बोलते हैं मुझे नहीं पता क्यों। तो वो पूछती कि शनाया जी भी नहीं है, तो बोलती कि वो भी नहीं आती है, वो आरू जब तक नहीं आएगी वो भी नहीं आएगी। तो देख मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, तो बोलती है कैसे मांगेंगी आप माफ़ी, माफ़ी जब तक वो नहीं आती है तब तक तो नहीं मांग सकती। तो ईशा एकदम से बोलती क्या आपके पास उसका नंबर है। तो समीर एकदम से बोलते क्यों नंबर से लेके आप क्या करोगी। तो ये अवनीत बोलते समीर कूल यार मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ईशा बोलती कि मैं उनसे फ़ोन में बात कर लूँगी ना। तो अवनीत एकदम से बोलते वो अननोन नंबर कभी रिसीव नहीं करती। तो ईशा बोलते आप नंबर तो दे दीजिए बाकी मैं देख लूँगी। तो अवनीत जो है वो दे देता है नंबर, फिर ईशा वो नंबर लेके चली आती है। और उधर समीर एकदम से चिल्लाता है कि यार तू डफर है क्या यार, ये जो शनाया तेरे में बोलते हैं ना एकदम सच बोलता है कि तू डफर है निकम्मा साला गई का। तू जानता है इस लड़की ने कल क्या किया, तभी तूने उसका नंबर दे दिया। अब जब आरू को पता चलेगा ना कि उसकी नंबर तूने इसको दिया है तो तेरी तो लगा देगी, तब आना मेरे पास रोते रोते। तो बोलती यार क्या है यार, हमें पता है कि इसने गलत किया लेकिन इसके बारे में भी सोच ना, इसका क्या गलती है। ये जो हालत में थी उस हालत में कोई भी हो सकता है यार, उस हालत में लोग कौन सा रिएक्ट करे किसको क्या पता यार, इतना भी बुरा मत मान यार। अच्छी लड़की है, तभी समीर बोलते अच्छा अच्छी लड़की है तुझे कैसे पता चला। बोला यार जिस लड़की ने इतना कुछ सुनाया हमारी आरू को 2 हफ्ते से, और जो हमारी आरू एक पलट के जवाब नहीं दिया, इस लड़की में कुछ तो बात होगी ना, दिमाग है या गटर, बादाम खा ले यार, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खा ले तू, कुछ है नहीं तेरा दिमाग में, ऊपर का माहौल पूरा खाली है तेरा। तो जो तो समीर भी अब कुछ नहीं बोलता। फिर वो जब ईशा जाती है तो पेना एकदम से बोलती है कि क्या बात की। तो बोलती है यार उसके बारे में पूछा, तो बोले अच्छा क्या बोला। बोला कि वो 2-3 दिन तक शायद ना आए। तो बोलती अच्छा तो अब क्या करेगी तू। तो बोलती यार नंबर ले आई ना। तो ईशा जो एकदम घूर के देखती तूने आरू की नंबर ले आई। बोलती हाँ। बोलती तेरी दिमाग ख़राब है यार, तू जब सामने से उससे माफ़ी मांगी, जब वो लड़की तुझे पलट के नहीं देखी, तो अब तू फ़ोन करके उसको बोली करो माफ़ कर देगी, ऐसा तुझे लगता है। तो ईशा जो है वो कुछ नहीं कहती, वो बस बोलती है यार मैं देख लूँगी। तभी जो है वो लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं। फिर जो है उस दिन ऐसे ही जो है पूरा कॉलेज ख़त्म होते है। ईशा जो है उसकी दिमाग में से आरू का नाम हटती ही नहीं है, वो आरू की हर चीज़ को याद करने लगती है कि कैसे 2 हफ्तों में वो जब भी उसके साथ टकराने लगती है तो उसे कितनी रफ बिहेव की है उसने। और उस दिन जिस दिन जो वॉशरूम में लॉक हो गई थी उस दिन भी कितना सुनाया उसने, तब भी आरू ने कुछ नहीं बोला। वो सब चीज़ें उसे धीरे धीरे याद आने लगता है और वो और ज़्यादा गिल्ट में जाने लगता है। इधर से ऐसे ही करीब 2 दिन जाते हैं। जो ईशा है वो सोचती तो है कि कॉल करे लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कॉल करने की। तभी एकदम से जो है एक दिन जो है तीसरे दिन जब कॉलेज ख़त्म होने, तीसरे दिन भी आरू नहीं आई थी ना ही शनाया। तीसरे दिन जब ये लोग ईशा जो है वो अपनी
घर वापस जाके कुछ काम कर रही थी और पेना एकदम से आती है उसके पास और बोलती है कि यार तेरे पास मुझे ना कुछ काम है बाहर, तू जाएगी मेरे साथ? तो ईशा एकदम से बोलती है यार कहाँ जाना है? तो बोलती है यार वही मॉल पे जाना है, शॉपिंग मॉल पे। एक चीज़ बस 5 मिनट लगेगा, मेरा एक चीज़ है ऑर्डर किया हुआ, मैं बस जाऊँगी उस दुकान से उठाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। तो बोलती यार मन नहीं कर रही है, तो बोलती प्लीज़ ना यार। तो बोलती ठीक है चल। तो ये लोग जो है वो जाती है और मॉल पे जाते हैं, मम्मी से भी परमिशन ली थी, तो ये लोग जाते हैं मॉल पे, वो काम ख़त्म करते हैं और एकदम से जो है वो वापस घर आ रहे थे, तभी एकदम से जो ईशा की नज़र जाती है रास्ते की, रोड की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पे जो है उसे आरू की कार नज़र आती है, जिस साइड पे आरू शायद खड़ी थी कुछ काम कर रही थी अपने फ़ोन में। तभी वो एकदम से बोलती गाड़ी रोक। तो बोलती क्या हुआ? तो बोलती स्कूटी रोक तू। तो स्कूटी रुकती है, वो एकदम से भागती है। तो पेना बोलते सब पागल इंसान संभाल के, रोड है क्या कर रही है? तो बोलते तू वही रुक मैं आती हूँ। तो जो है रोड क्रॉस करती है और एकदम से जाती है और एकदम से चीख के आरू को बुलाती है। आरवी तो जब आरू सुनती है वो पीछे मुड़ती है और जब देखती है कि ईशा है, तो वो जल्दी जल्दी अपना फ़ोन जो है पॉकेट में लाती है और एकदम से कार में बैठ के वो कार स्टार्ट करके वहाँ से चली आती है। ईशा ये देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैंने कम से कम एक बार बात तो कर लेते। उधर कार पर शनाया भी थी आरू के साथ, तो जब वो कार एकदम से स्टार्ट कर दी तो शनाया देखती है पीछे कि ईशा आई थी। तो शनाया एकदम सोचते क्या है यार। तारू बोलते यार छोड़ यार। तो एकदम से शनाया बोलते कब तक ऐसे चलेगा यार, मैंने बोला ना तुझे इतना बार तो समझाया और हम ऑलरेडी 3 दिन यार कॉलेज नहीं गए, इधर उधर घूम रहे हैं, दादी को भी नहीं पता कि हम कॉलेज नहीं जा रहे यार, ये सब चीज़ तो ठीक नहीं है ना, तुझे उससे बात नहीं करनी वो अलग चीज़ है। लेकिन तो एकदम से बोलती यार वो सेम क्लास में है, जब भी जाऊँगी उसको तो देखूँगी मैं, और उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाएगी। तो बोलती है यार प्लीज़ तुझे बात नहीं करनी मत करो, कम से कम ऐसे पढ़ाई तो समझना प्लीज़ यार। तो बोलती ठीक है कल चली जाऊँगी कॉलेज। तो बोलती यही बात 3 दिन से तुझे समझा रही हूँ। तो बोलती ठीक है ना चली जाऊँगी कल। उधर ईशा तो जो उसे इतना हर्ट होती है कि वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप फिर से रोड क्रॉस करके वो इधर आ जाती है। तो पेड़ ने एकदम से चिल्लाती है, बोलती तू बेवकूफ़ इंसान क्या हुआ तुझे, इतनी चुल क्यों मजी, तू उधर क्यों गई थी को, तू पहले ये बता। तो बोलती यार आरू को देखा था मैंने। तो बोलते आरू को? बोलते हाँ इधर देखी थी कार के साइड। तो बोलते हाँ तो फिर यार मैंने उसको बुलाया लेकिन वो देखा भी है मेरी तरफ, लेकिन फिर वो अपनी कार लेके चली गई। तो पेना बोलती है हाँ तो जाएगी ना, गुस्सा है यार क्या एक्सपेक्ट करती है उससे, चल यार देर हो रही है। तो फिर वो जो है घर वापस आ जाती है। इधर ईशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो जो है घर आके फ्रेश होके जब अपने रूम पे थी तो वो एकदम फ़ोन उठाती है और एकदम से जो है आरू की नंबर डायल करती है और उसे कॉल करती है। एज़ यूजल जैसा अवनीत ने कहा, वो अननोन नंबर रिसीव नहीं करती, एक बार दो बार जब कॉल करती है आरू कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ईशा बोलती यार ये लड़की प्लीज़ एक बार तो फ़ोन उठाओ यार, वो फिर से करती है फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाती है, वो मन में ही एकदम से भूलती है, प्रे करने लगती है कि ये गंगा मैया प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो, आप अब तो हर बार मेरी मदद करते हो ना, इस बार भी कर दो ना।
मुझे बस उससे माफ़ी दिला दो प्लीज़। ये जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगी ना, मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ मुझे वो चीज़ बार बार खाए जा रहा है अंदर से। प्लीज़ गंगा मैया, मुझे इससे माफ़ी दिला दो। फिर जो उसकी मॉम का बुलावा आती है तो वो नीचे चले जाते। वैसे ही वो रात गुजर जाती है। अगले मॉर्निंग एज़ यूज़ुअल पेना ईशा को लेके कॉलेज आती है। लेकिन इस बार जब वो कॉलेज आते हैं तो एकदम से जो है ईशा देखती है कि जो आरवी है वो अपने दोस्तों के साथ खड़े कुछ बातें कर रहे थे। तो उसकी फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है आरू को देख के। तो शनाया भी उसकी तरफ देखती है तो शनाया को अजीब लगती है कि ये किसको देख के इतनी मुस्कुरा रही है। तो वो जब ईशा की नज़र को पीछा करती है तो देखती है कि आरू की तरफ देख रही है। तो बोलते बाप रे, इतनी इतनी बड़ी स्माइल इसके लिए, इसे तो पता भी नहीं है। तो अवनीत शनाया को बोलती तू क्या बड़बड़ा रही है। तो बोलती कुछ नहीं, क्या ना हमारी दोस्त कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो चुकी है भाई आजकल तो उसकी, तो ऐसे भूलने वाली थी। तो आरू बोलती क्या बोल रही है। तो बोलती कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तभी वहाँ से एकदम से जो है ईशा आती है, एकदम से आके आरू के पीछे खड़ी हो जाती है। तो उधर जो ईशाना तो देखते हैं कि ईशा खड़ी है आरू के पीछे, लेकिन अवनीत और समीर ये लोग नहीं देखता। अवनीत और समीर ये लोग कुछ आपस में मस्ती कर रहे थे। तो अवनीत जो है समीर को थोड़ा सा धक्का देता है और वो जाके एकदम से आरू से धक्का लगती है लगता है आरू से धक्का लगता है उसका। और आरू एकदम से जो है पीछे ही जाके गिरने वाला था, क्योंकि वो एक सीढ़ी ऊपर खड़ी थी तो गिरने वाली थी। तो एकदम से जो है ईशा उसको संभालती है और एकदम से बोलते अरे आरवी संभाल के। तो भाई एकदम जो है वो होता है ना रूम जो फिल्मों में होता है वैसे वैसा, तो वो खुद को संभाल रही थी। तो शनाया है वो तो भाई क्या बोले, वो इस सीन वो उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा। तो उसकी तो आंखें चमकने लगती है, वो बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। वो बोलते वाह क्या बात है, किस्मत कनेक्शन तो यही है। अवनीत भी शौक हो जाते हैं ये देख के, समीर भी शौक हो जाते हैं। तो जब वो पकड़ती है तो दोनों की जो है एकदम से आई कांटेक्ट होती है। दोनों तो एकदम एक दूसरे की आंखों में देखती है। तो पेना एकदम से भाग के आती है और बोलती है अरे आप ठीक हो आरू। तो आरू खुद को जैसे तैसे ठीक करती है और एकदम से उठती है और बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है तो ईशा एकदम से बोलती है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया अनजाने में किया, मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक रिएक्शन आ गया था उस सिचुएशन में, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आरू जो है एकदम से जो शनाया को बोलते कि शनाया मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ कि इसको कह दे कि ऐसे मेरे सामने ना आए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है प्लीज़। तो जो शनाया है वो यार तू खुद ही बोल देना, मुझे क्या कोई इंटरफेयर करा रही है। तो आरू एकदम घूर के देखती है। उधर जो ईशा है वो एकदम से बोलती प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी तरफ से सोचो ना। मैं समझ गई, मैंने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ। आपको जो सज़ा देना है आप मुझे दो, लेकिन प्लीज़ आप माफ़ी दे दो मुझे। तो आरू कुछ नहीं बोलती। तो एकदम से जो है ईशा आरू का हाथ पकड़ती है। तो जब आरू का हाथ पकड़ती है तो एक
अजीब सी लगती है ईशा को, लेकिन वो उस चीज़ को तभी वो इग्नोर करती है। वो बस बोलती प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुनिए। तो आरू जो है उसका हाथ झटकती है और बोलती है प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने जो किया ठीक है, तुमने जो किया किया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे, प्लीज़। और ये बोल के वो शनाया को हाथ पकड़ के वो वहाँ से एकदम से चली जाती है। जो ईशा है बस उसकी तरफ देख रही थी। प्रेरणा बोलती है यार छोड़ ना, जो हुआ उसने ही तो कहा ना, जो हुआ सो हुआ, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे यार, इन इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ तू। अगर उसको मानना हो तो मान लेती अब तक, वो गुस्सा है गुस्सा रहने दे तुझे उसमें क्या। तो एकदम से बोलती है अरे यार क्या बोल रही है तू, अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं वो चीज़ ठीक करूँगी ना, मुझे बस उसकी माफ़ी चाहिए यार। तो प्रेरणा को भी लगता है यार उसकी माफ़ी की क्या ज़रूरत है इसको, ये इतनी क्यों कर रही है, जब वो खुद कह रही है कि जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म करो। तो वो कुछ नहीं कहती, ये लोग क्लास में जाके बैठ जाती है। जो ईशा है वो बार बार आरू की तरफ देखती है। शनाया ये हर चीज़ एकदम से जो है तुम पाई टू पाई वो नोट तो करती है। वो दो तीन बार आरू को समझाने की कोशिश करती है कि यार एक बार कम से कम उसकी तरफ से सोच के देख यार। तो आरू उसे चुप करा देती है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी। वैसे ही दो तीन लेक्चर ख़त्म होते हैं। फिर जो है टिफ़िन टाइम होती है तो वो लोग सब कैफेटेरिया में जाते हैं। तो जो ईशा है वो बात करने जब भी बात करने की कोशिश करती है आरू से, आरू वहाँ से चली जाती है या फिर मुंह फेर लेती है। वो कोई भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहती थी ईशा से। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, क्या ईशा आरू से माफ़ी ले पाएगी, देखते हैं अगले एपिसोड। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना और अपनों का भी। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।